हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हालचाल है भाई लोग? पीछे वालों के क्या हालचाल है? आज मैं आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने, और वो टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, केमिस्ट्री को लेकर मैं केमिस्ट्री से चालू करता हूं। केमिस्ट्री को लेकर अलग अलग धारणाएं बनी हुई, कुछ आपके मन में बनी है, कुछ आपने कहीं से सुनकर अपने दिमाग में रख रखी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या स्पेशली केमिस्ट्री ऐसी है, याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है, बट बिलीव मी, ये वो सारी बातें हैं जिनकी वजह से ये सब्जेक्ट आपको टफ लगने लगता है, ये सब्जेक्ट आपको फिर सीखने में इश्यू आने लगता है, क्योंकि पहले से ही आपकी एक मानसिकता बनी हुई है कि भैया ये सब्जेक्ट तो टफ है, ये सब्जेक्ट तो याद करना पड़ेगा, ये सब्जेक्ट तो समझ में नहीं आएगा, और ये सारी बातें, ये सारी जो चीजें आपके दिमाग में हैं, ये आपको सब्जेक्ट समझने में आपको दिक्कत करती है। अब मैं अपनी बात करता हूं, व्हेन आई वाज स्टूडेंट, मेरे को भी सारे सब्जेक्ट में केमिस्ट्री नंबर थर्ड पर था, लेकिन जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की और चीजों को समझना चालू किया, जैसा मेरे टीचर ने मेरे को बोला, सो व्हेन आई गॉट इट कि भाई साहब ये सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है, और आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि फिर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो था वो मैथ्स फिजिक्स तो था, उसके साथ साथ केमिस्ट्री भी शुमार हो गया मेरे फेवरेट सब्जेक्ट। और आज आपको पता है मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, सो इट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए? देखिए, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए जो आपकी स्टार्टिंग साइकोलॉजी है, आपने शुरुआती एक बना रखा है दिमाग में मिथ, तो आपको वो सब्जेक्ट वैसा ही दिखने वाला है। मैं आपको बता दूं कि स्पेशली अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपका जो दिमाग है, आपकी जो साइकोलॉजी है सब्जेक्ट को लेकर, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट वाकई में बड़ा खूबसूरत है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। लाइक दिस सब्जेक्ट इज लाइक केस स्टडी। केस स्टडी मींस लाइक कुछ, कोई इवेंट हो चुका है, कोई टास्क पूरा हो चुका है, कोई रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ये कैसे हुआ है। दिस सब्जेक्ट इज मोर लाइक इन्वेस्टिगेशन। दिस सब्जेक्ट इज मोर लाइक इन्वेस्टिगेशन। आपको जैसे आप देखिए, सस्पेंस थ्रिलर मूवीज आपको पसंद आती होंगी, मोस्टली लोगों को पसंद आती हैं, कि आपने देखा किसी सस्पेंस मूवी में कोई घटना घट गई तो अब आप दिमाग लगाने लगते हैं किसने किया होगा और कैसे किया होगा। ये कैसे किया होगा, इसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म बोलते हैं, इसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म बोलते हैं, और आप बहुत आराम से पता लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका दिमाग डिटेक्टिव की तरह चलना चाहिए। डिफेक्टिव की तरह नहीं, आपने पहले डिफेक्ट पाल रखा है भैया सब्जेक्ट नहीं सीख सकते, अगर आपने अपने दिमाग में ये डिफेक्ट रखा हुआ है, ये इशू रखा हुआ है, नहीं सीख पाओगे सब्जेक्ट। लेकिन अगर आपका दिमाग डिटेक्टिव माइंड है, सोच रहे हो आप कि भाई साहब ये यहां से ये बना है, ये बॉन्ड यहां देखो साफ साफ दिख रही है, टूटी हुई है तो कैसे टूटी हुई होगी, ये बॉन्ड बनी है तो कैसे बनी हुई होगी, ये वाला ग्रुप पहले कार्बन पर था, बाद में ऑक्सीजन पर है तो कैसे आया होगा। जब आप अपने दिमाग में इस टाइप के सोच को लाएंगे, इस टाइप के कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे, यू वुड फील कि एवरीथिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कनेक्टेड विद कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग। तो मेरे भाई, आपको अपनी साइकोलॉजी को सब्जेक्ट के लिए बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, एंड फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, अगर आपने ये बिलीफ रखा है कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखा जा सकता है, मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूं, मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं बस इस तरीके को फॉलो करिए। मैं अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक की बात करूं तो स्टार्टिंग विद IUPAC इज अ चैप्टर विच इज फुल ऑफ रूल्स। रूल्स है भैया, ऐसा कंपाउंड हो तो ऐसे नाम लिखेंगे, ऐसा कंपाउंड है तो ऐसा नाम लिखेंगे, दिस इज ऑल काइंड ऑफ रूल्स। और बिलीव मी, अब आप कहोगे लो रूल तो याद करने पड़ते हैं, मेरे भाई बिल्कुल याद करने पड़ते हैं। IUPAC एक ऐसा चैप्टर है कि आप किसी भी कैडर से बिलोंग करते हो, किसी भी कैडर से, एवरेज, बिलो एवरेज, अच्छे, बहुत अच्छे, टॉपर, रैंकर, जो भी नाम आप लोगों ने याद कर रखे हैं, उसमें किसी भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, IUPAC सबको समझ में आती है, सबको समझ में आती है, क्योंकि यहां रूल्स हैं मेरे भाई। लेकिन जब कॉन्सेप्ट आते हैं तो आप फिर वही एक्सपेक्ट करते हैं, आप कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट के नजरिए से देखते नहीं, आपके दिमाग में तो फितूर भरा हुआ है कि भैया नहीं आ सकती समझ में, अरे आपने अगर ये मान रखा है तो कौन सिखाएगा। इसलिए जैसे IUPAC आप रख दें साइड में, थोड़ा सा आइसोमेरिज्म का पार्ट है कि भैया ऐसा हो तो ये बोलेंगे, ऐसा है तो ये बोलेंगे, रेस्ट 96% केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट
टास्क ओरिएंटेड, इट्स लाइक केस स्टडी। एक रिएक्शन आपके सामने दिया, रिएक्टेंट, इसमें ये डाला, ये प्रोडक्ट बना। नाउ थिंक कि ये कैसे बना होगा, क्या हुआ होगा, मतलब एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन मैकेनिज्म। तो मेरे भाई वंस अगर आप इस साइकोलॉजी से सब्जेक्ट को देखेंगे, इस साइकोलॉजी से सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, तो आपको हो जाएगा सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से प्यार। अब पीछे वाले कह रहे हैं अपने को तो प्यार हुआ ही नहीं, अरे तो कर लो ना सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से प्यार। अगर आपको इससे प्यार हो गया तो सब्जेक्ट आपका हो जाएगा, सब्जेक्ट आपका हो गया तो कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा, कॉन्सेप्ट आपका हो गया तो बेहतरीन परसेंटेज और रिजल्ट आने लगेगा। और अगर बेहतरीन परसेंटेज और रिजल्ट आने लगा तो आप समझ रहे हैं बेहतरीन रिजल्ट जो है आईआईटी या जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, आप मेडिकल जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम कर रहे हैं वहां पर एक बेहतरीन रिजल्ट आप प्राप्त करेंगे, एक खूबसूरत रैंक प्राप्त करेंगे, है ना मजेदार। सो आई वुड एडवाइस यू कि आप अपने जो परसेप्शन है सब्जेक्ट को लेकर उसे करेक्ट करें। बिलीव मी इट्स अ सब्जेक्ट जो कि बहुत आराम से सीखा जा सकता है। पिछले 15-17 साल में मैंने कई सारे बच्चों से जो मुझे फीडबैक मिला है सारी चीजों का, देखिए मैं बात उस फीडबैक की कर रहा हूं जो सिंसियरली बच्चे पढ़ना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं। फाइनली उन्होंने कहा कि सर बहुत लॉजिकल है। और मैं आपको आज बता रहा हूं कि मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री नहीं था जब मैंने स्टार्ट किया था, बट व्हेन आई फील कि भैया नहीं इसमें हैं चीजें कनेक्ट होती हैं और बहुत ही मतलब आपको सरप्राइजिंग, इट्स लाइक मिस्ट्री, इट्स लाइक मिस्ट्री सॉल्विंग, केस सॉल्विंग, तो बताइए डिटेक्टिव बनना कितना मजेदार होता है, इट्स लाइक दैट। सो आई होप कि आज के बाद आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इस तरीके से देखें, इस तरीके से टैकल करें, एंड बिलीव मी ऐसा करके देखिए हार्डली आपको एक या दो वीक बस आपको खुरापाती बनना है। ये कैसे हुआ, अच्छा देखिए जब आप शुरुआत में खुरापाती नहीं बनेंगे तो आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगी, फिर वो प्रॉब्लम्स आएंगी एग्जाम में, वहां पर आएंगी तो वहां पर आप फिर गड़बड़ कर लेंगे। आज स्टार्ट करें, इस तरीके से चीजों को समझना चालू करें। अच्छा अब आप कहोगे सर हमने ऐसा चालू किया गलती हो जाती है, अरे होने दीजिए गलती। आप प्रिपरेशन, तैयारी का मतलब क्या होता है, तैयारी का मतलब यही होता है कि जितनी गलतियां करनी है यही कर लो, पेपर में जाके नहीं करनी। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं अगर आप अच्छे माइंड सेटअप से सब्जेक्ट को देखें और उसे समझने का प्रयास करें तो बहुत फिक्स टाइप की गलतियां होती हैं, 8, 10, 12, 15 वही गलतियां बार बार रिपीट होती हैं। और अगर आप गलतियों से सीखते हैं तो ये 8, 10, 12 गलतियां करने के बाद गलतियां नहीं होंगी, फिर चीजें बिल्कुल सही सही बनने लगेंगी, ठीक है। सो आई होप आप बिल्कुल आज के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इसी नजरिए से देखने वाले हैं, ठीक है। लगे रहो बेटा, रुक जाना नहीं, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें।